हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ओडीएलएस एकेडमी। दिस इज आनंद एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक पर हैं। फर्स्ट टू टॉपिक की वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाके उनके वीडियो देख सकते हैं। ओके, एंड इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज मैन्योरिंग। ओके, सो व्हाट इज मैन्योरिंग? क्रॉप एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट्स। ओके, दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनके प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉयल के थ्रू। अब जब सॉयल में ही अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होंगे तो कैसे वो उन्हें ऑब्जर्व कर पाएंगे जो रूट्स होंगे, और इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें एडिशनली मैन्योर को ऐड करना होता है सॉइल में, जिससे जो भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी सॉइल में बढ़ जाती है। ओके, द रिप्लेसमेंट इज डन बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस टाइप्स की मैन्योर को हम सॉइल से ऐड करते हैं। सो मैन्योर आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। सो मैन्योर कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्राप्त किए जाते हैं एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज से। इट मीन्स जैसे आपके घर में जो भी खाना है, अगर वो बच जाता है तो उसको ही अगर आप फील्ड पे डाल देंगे तो वो भी एज अ मैन्योर वर्क करेगा। ओके, प्लांट्स के पत्ते होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, छाल होती हैं, ज़मीन पे आके गिर जाती है और गिर के वो ज़मीन में मिक्स हो जाती है, वो भी क्या है, एक मैन्योर है। ओके, सो मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, नेचुरल होते हैं, दे सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो भी लिविंग बीइंग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स उनमें भी पाए जाते हैं, तो वो सॉइल के जो भी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की, उन्हें वो सप्लाई कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर। सो फर्स्ट इज फॉर्म यार्ड मैन्योर, सेकेंड इज कंपोस्ट मैन्योर, थर्ड इज ग्रीन मैन्योर। ओके, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्म यार्ड मैन्योर, इट कंजिस्ट ऑफ कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रो, लीव्स, अदर फॉर्म यार्ड वेस्ट। जो भी चीज़ें खेत पर वेस्ट होती हैं या फिर खेत पर बच जाती हैं जिनका यूज़ नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं फॉर्म यार्ड मैन्योर। जैसे डंग, जैसे बहुत सारे जानवर हैं उनका जो डंग है ना, यूरिन है, स्ट्रॉ है ना, जो प्लांट्स की लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्म यार्ड मैन्योर बनाती हैं। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर की। सो ग्रीन मैन्योर इज अ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग लिगुमिनस प्लांट लाइक सुगर एंड सन हेम्प। दीज प्लांट्स आर ग्रोन एंड फ्लोड बैक इन टू द सॉइल। ओके, तो ग्रीन मैन्योर होती है, तो इसमें हमें कुछ लिगुमिनस प्लांट्स को प्रोड्यूस करना होता है। ओके, और इन प्लांट्स को काटने के बाद हम उसी सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। ओके, दीज प्लांट्स आर ग्रोन एंड फ्लड इन टू द सॉइल, और फिर हम वापस से इसी प्लांट में इनको मिक्स कर देते हैं इसी फील्ड में। ओके, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। अब आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, कि क्या एडवांटेज होती हैं, हम क्यों मैन्योर्स को मिलाते हैं। इट इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं जो भी मैन्योर होते हैं सॉइल में। इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉइल। दूसरी चीज़ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं तो एक सॉइल की क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं। थर्ड, इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन द क्ले सॉइल। तो जो बहुत सारी सैंडी सॉइल होती हैं जिनमें पानी स्टे नहीं कर पाता, और अगर हम उनमें मैन्योर मिला देते हैं तो पानी स्टे करता है, वाटर स्टे करता है,
और उस वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ओके, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करता है, तो ये एडवांटेजेस हैं। कुछ और हैं, जैसे इट इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉयल। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नीड होती है, और ऑर्गेनिक मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी बढ़ जाती है, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल है। इट इम्प्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर हमें क्रॉप करना है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, तो ये उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स। अभी हमने नेचुरल फर्टिलिटी इन्हेंस करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते थे मैन्योर, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं केमिकली हम सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं थ्रू फर्टिलाइजर्स। सो अ फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो ये नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनके थ्रू हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स आर एनपीके फर्टिलाइजर विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स है एनपीके। एनपीके मींस होता है नाइट्रोजन रिच, फॉस्फोरस रिच एंड पोटेशियम रिच। ये कुछ केमिकल हैं जिनके थ्रू हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव बिकम पॉपुलर विद फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड कैन बी ईजिली ऑब्जर्व बाई प्लांट्स। और केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको प्लांट्स, उनको फार्मर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल हैं और आसानी से प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो मैन्योर होती है वो इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं किया सकती, उसके लिए टाइमिंग की नीड होती है, बहुत सारा टाइम होता है, तब जाके हम उससे, तब प्लांट्स जाके उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बट फर्टिलाइजर्स के केस में तुरंत प्लांट्स इस चीज़ को, इस केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, चलिए, दे आर ऑल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है और हैंडल भी किया जा सकता है। मैन्योर थोड़ा सा टफ है उसे स्टोर एंड हैंडल करना। फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड और बाय स्प्रिंग थ्रू इरीगेशन कैनाल्स। फर्टिलाइजर्स को या तो ब्रॉडकास्टिंग अपने हैंड के थ्रू फील्ड पर सप्लाई किया जाता है, या फिर इरीगेशन चैनल्स के थ्रू उसे सप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर यूरिया, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट है ना, सुपर फॉस्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि क्या डिफरेंस होता है। सो मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस, दे आर फॉर्म फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज एंड केमिकल्स में मैन मेड, यानी मैन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो ये तो ये नेचुरल होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये केमिकल होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं। ओके, मैन्योर कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। एंड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो मैन्योर में जितने भी तरीके के कंपोनेंट्स के हमें नीड होती है, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बट जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें सिर्फ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस ही पाया जाता है। दे आर वेरी स्लो एक्टिंग द सॉयल, दे आर क्विक इन एक्शन। और मैन्योर थोड़ा टाइम लेते हैं एक्शन में, एंड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्विकली एक्शन करते हैं। आप यहाँ पे इन सारे डिफरेंसेस को पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे भी आपको इतने सारे डिफरेंस दिए गए हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।